नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने नामांकन के अंतिम दिन में अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणाएं कर दी है। जिनमें कुछ संभावित प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर उन्हें निराशा हाथ लगी, तो वही कुछ प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट मिलने से वो गदगद नजर आए हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो टिकट के दावेदारों की तो सबसे बड़ी कतार भाजपा और सपा में दिखाई दी, लेकिन गोंडा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व चेयरमैन की पत्नी संध्या श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद संध्या श्रीवास्तव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर दिया है। तो हमारे ख्याल से इस मंडल में नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मिलते, और इस बार भी मैं पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग के साजिश के कारण मुझको मेरा टिकट काटा गया, और जिनको टिकट दिया है उनकी कोई जनता में अपनी वॉइस नहीं है, ना जनता के लिए कभी वो इस तरीके से खड़े हुए के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल करें, वही नामांकन दाखिल करने आए थे हम। क्या रोड मैप आपने बना रखा है यहाँ के चीज़ों को बदलने के लिए, खासकर नगर पालिका गोंडा के लिए? क्या विकास, क्या प्राथमिकताएं होंगे विकास को लेकर? गोंडा नगर पालिका के इतिहास में जो पिछला कार्यकाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का रहा था, सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल मैं मानता हूँ उसे। और जहाँ तक रोड मैप का सवाल है, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो 5 साल गुजर गया है उसमें तो बहुत ही चीज़ें नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं सबका कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें नामुमकिन अगली बार हुई हैं उसको मैं मुमकिन करूँ। जैसे कि सीवर लाइन है, मेन तो मुद्दा यही है कि पानी जो है बड़ा होता है, उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। पार्किंग बहुत ज़रूरी है, और प्रेस क्लब आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त उस जमीन को लिया गया था, उस वक्त मेरे मतलब वालिद मोहतरम जो है उन्होंने लिया था, उन्हीं की कार्यकाल में। संभल में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं, और अधबने शस्त्र समेत अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना हयात नगर की पुलिस के द्वारा आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम वकील है। ये रुकनुद्दीन सराय थाना नखासा का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने शस्त्र बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद की है। इसमें से कुल 4 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, 1 रिवॉल्वर 32 बोर तथा इसके साथ में 3 अर्धनिर्मित तमंचे भी बरामद हुए हैं। साथ में कारतूस अलग अलग बोर के, और इसको तमंचे बनाने की जो उपकरण होते हैं, जैसे कि खाली पाइप और अन्य उपकरण। एक युवक को गिरफ्तार किया है अवैध शस्त्र फैक्ट्री का। पुलिस ने इस दौरान भंडाफोड़ किया है, वहीं पुलिस ने इस दौरान अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करते हुए नगर निकाय चुनाव से पहले ये बड़ी सफलता हासिल की है। खबर फरीदाबाद से है, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की है। वही छापेमारी में पुलिस ने 210 किलो पनीर बरामद किया है। पूरा मामला बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी का बताया गया, जहां मंत्री उड़नदस्ता, खुफिया विभाग और फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर की दुकान पर छापा मारा है। बताते चले कि खुफिया विभाग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली पनीर बेचा जाता है, उसी के आधार पर आज ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उन्होंने यहाँ से 210 किलोग्राम पनीर बरामद किया है, जिसे जांच के लिए चंडीगढ़ प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। रेड है यहाँ पर बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर, जहाँ पर हमें लगभग 210 किलो पनीर के आसपास यहाँ पे बरामद हुआ है, जिसके हमने 2 अलग अलग जो डब्बों में रखे हुए थे पनीर, दोनों के सैंपल हमने ले लिए, जिसके लिए अब चंडीगढ़ इनको भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इन पर कार्रवाई करेंगे, जिस तरह की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। किस तरह का नकली पनीर मिला है, किस तरह का है, ये तो हम लैब के बाद ही बता पाएंगे। लैब की जांच में जो जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी पनीर को जाँच करने के।
संबल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने अतीक अहमद एनकाउंटर पर फिर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए योगी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ है। सपा सांसद ने कहा कि जब पुलिस की कस्टडी में कोई मारा जाएगा तो फिर अदालत की जरूरत ही क्या है, अदालतें तो फिर बेकार हो गई है, इनके साथ ही ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला है और कानूनी इंसाफ तब होता उन्हें चाहे उम्र कैद होती या फांसी की सजा होती, अब तो ये जुल्म की इंतहा हो गई है। तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। आरोपियों से पूछताछ नहीं करी अभी तक है? आरोपियों से अभी तक पूछताछ नहीं करी। हाँ तो पूछताछ नहीं करी तो उनकी नियत ठीक नहीं है इसमें। अगर नियत ठीक होती तो वो अदालत को भेजते, उनको जेल में बंद रखते, बंद रख के और वहाँ मुकदमा चलाते उन पर, अदालत के अंदर अदालत में फैसला होता। निचली अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, तो इसलिए तो हमने बनाई है ये सुप्रीम कोर्ट बनाई है, ये सब कुछ है कि मतलब ये कि मुल्क के अंदर अनार्की ना फैल सके, मुल्क के अंदर इंसाफ मिल सके। तो मुल्क के अंदर इंसाफ जभी तो मिलेगा जब जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास मौजूद। हरदोई के कासिमपुर इलाके में एक पीआरडी जवान का शव पड़ा मिला है जिसकी पहचान कर ली गई है। वह सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पीआरडी जवान ड्यूटी करके बाइक से घर जा रहा था, इस दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से वो नीचे गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है, वही पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की अब कार्रवाई की जाएगी। थाना कासिमपुर अंतर्गत का प्रकरण है जिसमें रामभंजन विश्वकर्मा जो कि कछौना थाना रहने वाले हैं, वो ड्यूटी हेतु कासिमपुर आए थे, किसी अज्ञात वाहन के टक्कर में उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें पुलिस द्वारा पंचायत नंबर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा उसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में हंडिया नगर पंचायत अध्यक्ष ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है जिसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने चुनाव संभाल भी लिया है राज्य से, ये चुनाव विकास के नाम पर हो और ये चुनाव कानून के राज पर हुए। जो सरकार हम लोग 22 में बनाए थे आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने आश्वस्त किया जाए कि कानून का राज होगा और गरीबों का कल्याण होगा। आज आप देखेंगे टाउन एरिया में, नगर पालिका में, जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर प्रत्येक वार्ड में, कुछ वार्डों में तो 200 मकान निकले प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री, जिनके पास पक्के मकान नहीं थे। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि चोर एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालते थे, इससे पहले भी चोरों पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। बुलंदशहर के अनूप शहर में गंगा स्नान कर रहे दो भाइयों के डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अचानक गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला वाटर वर्क निवासी दोनों सगे भाई दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए अनूप शहर के जेपी गंगा घाट पर आए हुए थे। वही पीएससी फ्लड प्लाटून और स्थानीय गोताखोरों द्वारा तलाशी अभियान लगातार किया जा रहा है। खबर कानपुर से है जहां ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक ने परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं युवक के साथी व्यापारी ने बताया कि मृतक का कोरोना काल में काफी नुकसान हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगा था। वही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। प्रशांत डालमिया उनका नाम है और के कपड़े के व्यापारी हैं। हमको जानकारी हुई है तो हम यहाँ पे आए हैं। पूरी जानकारी अभी हमको भी नहीं हो पाई है कि किस कारण से क्या है, बस इतना पता चला था कि एक कपड़े के व्यापारी ने फांसी लगाई है, उसीलिए हम यहाँ पे आए हुए।
सहारनपुर में पुलिस ने शातिर शंकर गैंग के मुखिया शंकर और उसके सात साथियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद रामपुर मनिहारन पुलिस ने शंकर गैंग को दबोच लिया। बता दें कि गैंग सदस्यों से पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस और वाहन भी जब्त किए हैं। शंकर गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया था। वही सहारनपुर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गैंग की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी है। सूची तैयार करके प्रत्येक अपराधी को सत्यापित किया जा रहा है, साथ ही जनता के सहयोग लेकर जहां से भी अवैध शराब की सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो पुराने मुकदमे हैं जिसमें कि गैंगस्टर लंबित है उसमें गैंगस्टर भी किए गए हैं और अभियुक्तों को जेल भी भेजा गया है। कहीं भी अगर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर, चुनावी प्रक्रिया के तहत क्योंकि नामांकन हो गया है उसके तहत अब लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी लुभाव में लोगों को शराब और ये अलग चीज़ें और जो होती हैं तो इनके लिए सर क्या पुलिस ने व्यवस्था की है इसके लिए? जी, इसमें पुलिस द्वारा जो 112 नंबर है, जो थाना पुलिस है, इसके अलावा अन्य हमारे जो नंबर हैं जो पूर्व में जारी किए गए थे। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत इल्तिफागंज में आगामी त्यौहार ईद और नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई है। वहीं बैठक में तमाम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। साथ ही पीस कमेटी की बैठक अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार पासी और स्थानीय थाना अध्यक्ष इब्राहिमपुर सुनील कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में आचार संहिता का पालन करने का लोगों को निर्देश भी दिया गया है। पीस कमेटी की बैठक आज कार्यालय में जसो साहब और सी ओ साहब के मार्गदर्शन में कराया गया, जिसमें लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और ईद के त्यौहार को प्रेम पूर्वक मनाए जाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें लोगों ने सहमति व्यक्त की और उसका पालन करने की बात कही। खबर लखनऊ से है जहां पश्चिम पुलिस ने एक साथ देह व्यापार से जुड़े दो मामले और अलग अलग थाने में सोशल मीडिया वायरल वीडियो के बाद धरपकड़ तेज करते हुए खुलासा किया। DCP पश्चिम राहुल राज ने खुलासा करते हुए पकड़े गए चार अभियुक्तों ने बताया कि देह व्यापार के लिए आरोपी लड़कियों को ऑनलाइन भेजता था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सादतगंज में इसी से मिलता जुलता एक मामले का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने सादतगंज से लड़कियों को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को धर दबोचा है। ये ना लड़कियों को झांसा दे करके फंसा करके उनको जो है अपने पास ले जाकर कहीं सब बेच देता है। जी जी, उसके पास क्या और भी कुछ लड़कियां थी? कुछ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जो है ना तमाम तारे उनके तो और भी डिमांड थे कि हमें और भी लड़की जो है लाओ और ये करो, तो ये लोग लड़कियां खरीदते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।